न्यू यूनिक और आसान वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च कीजिए हमारा चैनल नाजिश कुकिंग। हमारे चैनल पर क्लिक कीजिए और हमारी सारी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन पर टैप कीजिए और हमारी वीडियो लाइक। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाने जा रहे हैं गार्लिक नान बिना यीस्ट के, बिना तंदूर के, बिना ओवन के, बिल्कुल परफेक्ट गार्लिक नान तवे पर हम घर पर बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 300 ग्राम मैदा, 100 ग्राम हमने दही ली है, 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल, मक्खन 2 टेबलस्पून, फ्रेश धनिया, कोरिएंडर हमने लिया है आधा बंच, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और आटा गूंथने के लिए हमने लिया है लीक वॉर्म वाटर 1 गिलास। सबसे पहले हम इसका आटा गूंथेंगे, तो उसके लिए हम लहसुन, धनिया और बटर को एक साइड कर देंगे। इन सब सामान के साथ हम अपना आटा तैयार करेंगे। सबसे पहले हम मैदे में ऐड करेंगे जो हमारी चीनी है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, नमक, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारी दही है, ये हमारा गाढ़ा घी योगर्ट है, इसके साथ हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गुनगुना पानी, थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें ऐड करते जाएंगे, और जो हमारा रोटी का आटा होता है उससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हमें यह आटा गूंथना है। यह कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा थिन होता है। अब हम इसे गूंथ लेते हैं, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी क्या करना है। थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें ऐड करते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आटा हमने पूरा एक इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसे पानी लगाकर थोड़ा सा इस तरह से हाथ से गूंथते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा हम इसे पानी लगाएंगे और गूंथते जाएंगे, जब तक कि ये हमारी मनचाही कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता। इस काम में हमें 1 से 2 मिनट लगेंगे बस। ये देखिए फ्रेंड्स, आटा हमारा तैयार हो चुका है। इसमें हमारा पूरा 1 गिलास पानी लग गया है, थोड़ा सा पानी नहीं बचा। यहाँ आकर ये बहुत स्टिकी हो गया है, हमारे हाथों पर चिपकने लगा है। तो हमने जो आपको वेजिटेबल ऑयल दिखाया था वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसे हाथों से इस तरह से मसलते जाएंगे, जब तक कि ये पूरा अच्छी तरह से जो इसमें चीनी है इसमें डिजोल्व नहीं हो जाती और ये मेरे हाथों पर चिपकना बंद नहीं हो जाता। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे ऑयल के साथ अच्छी तरह से नीट कर लिया है। ये डो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इस पर चारों तरफ थोड़ा थोड़ा इस तरह से ऑयल लगाएंगे चारों तरफ, ताकि जब हम इसे रखें फूलने के लिए तो इस पर चारों तरफ जो है परत ना जमे। और इस पर हम एक रुमाल ढकेंगे और उसे एक भारी से बर्तन से ढककर अब हम इसे फूलने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, आटे को हमारे रखे हुए 2 घंटे गुजर चुके हैं, ये अच्छी तरह से फूल चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई है और ये बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम इसकी रोटियां बेलेंगे। तो उसके लिए हमने जो मैंने आपको हरा धनिया दिखाया था वो बारीक कट कर लिया है, और लहसुन का भी हमने अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। इसे बिल्कुल फाइनली चॉप किया है हमने। अब हम इसे इसके अंदर मिक्स करेंगे और चम्मच से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें रोटी बेलने के लिए चाहिए होगा हमारा आटा, बेलन, सूखा मैदा, लहसुन और धनिया का मिक्सचर, 1 कटोरी में हमें चाहिए होगा पानी, और पानी लगाने के लिए ब्रश। अब हम जो हमारा आटा है उसमें से लोई बनाएंगे एक इस तरह से। सूखा मैदा लगाकर हम इसकी लोई बना लेंगे। सरफेस पर थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे। मेक श्योर करें जो आपका सरफेस है बिल्कुल ही साफ होना चाहिए, थोड़ी सी भी इस पर गंदगी ना हो। और अब हम इसकी रोटी बेलेंगे। अच्छी तरह से हमें इसकी रोटी बेल लेनी है। ये देखिए, रोटी हमने बेल ली है। अब इसकी एक साइड में हम जो हमारा धनिया और लहसुन का मिक्सचर था उसे डालेंगे इस तरह से, और इसे इस तरह से हम बेलन से इस पर
सेट कर देंगे। अब हम अपनी रोटी उठाएंगे और इसे पलट देंगे। इस पर हम दूसरी तरफ से बेलन इस तरह चलाएंगे ताकि जो हमारा धनिया और लहसुन है वो चिपक जाए। यहाँ पर हम इस साइड लगाएंगे ब्रश से अच्छी तरह से पानी, चारों तरफ हम अच्छी तरह से पानी लगा लेंगे। पानी लग चुका है, अब हम इसे सेकने की तैयारी करेंगे। एक तरफ हमने अपना लोहे का तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। नॉन स्टिक तवा बिल्कुल ना लें, उस पर ये रोटी नहीं बनेगी। आप लोहे का तवा लें, उस पर ही ये अच्छी तरह से बिल्कुल तंदूर जैसी रोटियां बनती हैं। अब हम इसे बनाएंगे। एक तरफ हमने अपना तवा गर्म होने के लिए रख दिया था, यहाँ पर आकर हम इस पर अपनी रोटी डालेंगे और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे इसका कलर चेंज होने तक इस पर पका लेंगे। तब तक हम अपनी दूसरी रोटी बेल लेते हैं। ये लोई हमने बना ली है और अब हम इसे बेलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, रोटी हमने बेल ली है। अब हम यहाँ पर इस पर ये हमारा हरा धनिया और लहसुन है इसे डालेंगे, अच्छी तरह से फैलाएंगे और इस तरह से बेलन से हम इसमें अच्छी तरह से इसे सेट कर देंगे ताकि इसे अलग ना हो। फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे, यहाँ भी थोड़ा सा बेलन चलाएंगे और इस साइड हम इसके पानी लगाएंगे। इस रोटी का हमारी कलर चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं इस पर बबल्स भी आ चुके हैं। यहाँ कर हम अपनी फ्लेम फुल कर देंगे और अपने तवे को उठाकर इस तरह से उल्टा कर लेंगे और रोटी को घुमा घुमा कर इस तरह से सेक लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, रोटी हमने अपनी सेक ली है, आप देख सकते हैं। इसे सेकने में हमें लगभग 2 से 3 मिनट लगे हैं और इस पर हम इस तरह से स्पॉट आने तक सेक लेंगे। इसके बाद हम इसे एक चम्मच की हेल्प से तवे से अलग करेंगे और आप देख सकते हैं, ये देखिए माशाल्लाह, बिल्कुल तंदूर जैसी परफेक्ट रोटी आएगी। इसी तरह से हम अपनी दूसरी और बाकी रोटियां भी सेक लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, रोटियां हमारी रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पर आकर हमने जो आपको मक्खन दिखाया था, हम वो मक्खन इस पर इस तरह से रखेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हम फिर हाजिर होंगे अपनी अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।